Hey guys, आज CA Inter Group 1 के last 10 days revision strategy के बारे में discuss करने वाला हूँ on how you can easily secure 180 plus marks, मतलब हर एक paper में आप 60 के around कैसे ला सकते हैं. So, क्या-क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा marks secure करना है और कौन से गलती को बिल्कुल भी नहीं करना है. So, सब कुछ इसी वीडियो में डिस्कस किया जाएगा. So, let's start the video at once. सबसे पहले एडवांस अकाउंट्स के बारे में बात कर लेते हैं. यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 60 मार्क्स का आने वाला है एंड द रेस्ट ऑफ द सिलेबस इज ऑफ 40 मार्क्स. बट द मोस्ट बेनिफिशियल स्ट्रेटजी फॉर यू वुड बी ये जो रेस्ट ऑफ द सिलेबस है ना मॉड्यूल 3 का, बाय बैक, रिकंस्ट्रक्शन, ब्रांच अकाउंटिंग, प्रिपरेशन ऑफ FS, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब कुछ आप पहले कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि इट वुड टेक 5 डेज 4 आवर्स मैक्स ईच डे एंड आपका 40 मार्क्स सिक्योर हो जाने वाला है. एंड देन यू कैन मूव ऑन टू द इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जिसका लिस्ट मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे अटैच करके रखा है. द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन. यहां से भी आपका लगभग 30 मार्क्स सिक्योर हो जाने वाला है. सो 70 मार्क्स का कैलकुलेशन मैंने आपको दे दिया है एंड ये आप प्लीज अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा क्योंकि काफी इजी पोर्शन है, काफी स्कोरिंग भी है. एंड अच्छे से प्रिपेयर करना मतलब ऑब्वियसली ICA मटेरियल के सारे इलस्ट्रेशन एंड बैक क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना ही है. टाइम रहा देन यू कैन ऑल्सो रेफर टू योर RTPs एंड MTPs. सो ये जो ICA मटेरियल आप रेफर कर रहे हो ना, यू शुड बी रिमेम्बरिंग इसी से आप पास होने वाले हो क्योंकि इसी के सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं. मैंने भी यही किया था एंड दैट्स हाउ आई गॉट एन एग्जेम्पशन इन माय एडवांस अकाउंट्स पेपर. अब चलिए लॉ के बारे में बात करते हैं एंड यहां पे आपको प्राइमरीली फोकस करना चाहिए ऑन LLP एंड अदर लॉज. इससे आपका 40 मार्क्स सिक्योर हो जाने वाला है एंड दिस वुड टेक जस्ट 3-4 डेज, 4 आवर्स डेली एंड आप 40 मार्क्स सिक्योर कर लेंगे. इसके बाद ही यू शुड मूव टू द अदर चैप्टर्स ऑफ कंपनी लॉ. द चैप्टर वाइज वेटेज इज देयर ऑन द स्क्रीन. चूज दोज चैप्टर्स जो आपको इजी लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, जो आप आसानी से याद कर सकते हो. एंड इतना अगर आप कर लेते हो लाइक अराउंड 70-80 मार्क्स का आपका एम होना चाहिए. इतना का कवरेज अगर है यू आर श्योरली गोना क्रैक योर लॉ एग्जाम. एंड एक और टिप दे देता हूं, जो बाकी का 20-30 मार्क्स आप जो अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, जो आप प्लान कर रहे हो कि हाँ छोड़ के जाना है, वो कंप्लीटली मत छोड़ना. उसका रिविजन वीडियो एक बार देख लेना, उसका ICA मटीरियल एक जस्ट रन थ्रू इट एक बार रीड कर लेना ताकि क्या होगा ना, आप MCQs एटलीस्ट सॉल्व कर पाओगे. सो दैट्स अनदर ट्रिक फॉर यू. सो दिस इज द स्ट्रेटजी विच यू शुड फॉलो फॉर लॉ. अब चलिए टैक्सेशन के पेपर के बारे में बात करते हैं. मुझे पता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहने वाले हैं मुझे PGBP नहीं पसंद, कैपिटल गेन, सैलरी ये भी नहीं पसंद. लेट मी टेल यू दैट ये तीनों चैप्टर्स अगर आप अच्छे से कवर नहीं भी करते हैं, आप इनकम टैक्स में 35 मार्क्स तक का सिक्योर कर सकते हैं. एंड GST का पोर्शन वो तो पूरा ही स्कोरिंग होता है, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए. सो GST से 50 मार्क्स एंड इनकम टैक्स से भी मिनिमम अराउंड 35 मार्क्स. सो टोटल मिला के 85 मार्क्स कवर हो रहा है. एंड चैप्टर वाइज वेटेज आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा. कोई और एक दो चैप्टर्स भी आपको टफ लग रहा है, अच्छे से प्रिपेयर नहीं भी हुआ है, कोई बात नहीं. इनकम टैक्स एंड GST मिला के अगर आपका 70 मार्क्स लगभग इतना का भी प्रिपरेशन है ना, इट्स इनफ टू क्रैक योर CA इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन. लेट मी टेल यू गाइज वन थिंग दैट जितना भी आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, अच्छी तरीके से कीजिएगा क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 100 मार्क्स का प्रिपेयर कर रहे हैं एंड उससे 50 मार्क्स के भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे. लाइक अगर आप 70 मार्क्स का प्रिपेयर कर रहे हैं, मिनिमम ऑन अ बेयर मिनिमम आपको 60 मार्क्स का सॉल्व करना आना ही चाहिए इवन अंडर द एग्जाम हॉल प्रेशर. सो मेक श्योर वन थिंग दैट यू आर स्टडिंग स्मार्ट. आप जितना भी मेहनत डाल रहे हो, जितने भी चैप्टर्स पढ़ रहे हो, वो आप अच्छे से कीजिए. उससे आपका एक भी गलती नहीं निकलना चाहिए. आपका एम ये नहीं कि आप पूरा का पूरा फुल सिलेबस कंप्लीट करके एग्जाम में जा रहे हैं, ये आपका एम नहीं है. आपका एम ये है कि आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करें. सो ये आप कैसे करेंगे? बाय स्टडिंग स्मार्ट, बाय हैविंग द करेक्ट स्ट्रेटजी. आप जितना भी पढ़ते हो अच्छी तरीके से पढ़ते हो एंड दैट्स हाउ यू गेट द मैक्सिमम मार्क्स. सो दैट इज इट गाइज. आपको अच्छा लगा सो डू कमेंट डाउन लाइक ऑल योर क्वेरीज, योर अप्रिसिएशन, क्रिटिसिज्म, एवरीथिंग यू कैन जस्ट कमेंट डाउन. And do let me know if you want a video for group 2 of CA Intermediate. So that's it for now guys. Stay tuned and thank you.